नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर इस आई हुई तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री का अयोग्य बेटा सुप्रीम कोर्ट में बना वकील, कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सरकारी संस्था हो जिसमें कि इंटरव्यू के बेस पर या सीधे रिकमेंडेशन के बेस पर जो कमेटियां रिकमेंड करती हैं उनके बेस पर अगर कोई भी नियुक्ति होती है तो हमेशा वो अपर कास्ट के व्यक्ति की ही नियुक्ति होती है, चाहे वो कितना ही अयोग्य हो। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य को स्टैंडिंग काउंसिल बनाया। आप खुद जानते हैं कि जो अरुण जेटली बीजेपी की सरकार में जो अरुण जेटली जो कानून मंत्री थे वो खुद इतने अयोग्य थे कि ना उन्होंने कभी कोई चुनाव जीता, और उनके बारे में खुद अरुण शौरी जो बीजेपी की पार्टी के ही थे उन्होंने ये कहा था कि ये आधा वकील है और आधा वित्त मंत्री है, उनको मतलब पूरा भी नहीं वो आधा कंसीडर किया करते थे। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनके लोग भी कितने ईजिली सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं, और हमारे वर्ग के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के एससी एसटी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो मेहनती होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आसानी से नियुक्ति नहीं पा सकते बिना किसी रिकमेंडेशन के। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई देता है, 12 साल सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील रहे एडवोकेट माठिया ने जताया ऐतराज, कहा केस फाइल नहीं कर सकते आदित्य। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के एक ऐसे बेटे को सुप्रीम कोर्ट में अपना स्थायी वकील बना लिया जो इसकी योग्यता ही पूरी नहीं करते हैं। ये वरिष्ठ नेता हैं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनके बेटे का नाम है आदित्य शंकर। अरे इस तरह की घटनाएँ तो भाजपा के कार्यकाल में पहले भी होती रही हैं। अब बताइए कि संबित पात्रा जैसे व्यक्ति का ONGC से कोई लेना देना था? ONGC जो एक ऐसा उपक्रम है, जो एक सरकारी उपक्रम है, महारत्न है, जो कि एक ऑयल रिफाइन करने वाली कंपनी है, जो कि समुद्र के तल में पाइपलाइन ढूंढकर या जिस क्षेत्र में तेल होता है उस क्षेत्र में कच्चे तेल को निकालकर उसे रिफाइन करना मुख्यतः ONGC का कार्य करना होता है। तो संबित पात्रा को इस पूरे कार्य की भला कौन सी ऐसी जानकारी थी कि संबित पात्रा को सीधे उसका चेयरमैन बना दिया गया? तो इस तरह से किसी भी नाकाबिल व्यक्ति को उठाकर कहीं भी बैठा देना, ये हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि आदित्यनाथ को किस तरह से सरकार चलाने का अनुभव था, क्या कभी कोई सरकार उन्होंने चलाई थी? केवल एक मठ के ये मठाधीश हुआ करते थे, और जिस गोरखपुर के ये काफ़ी समय से सांसद रहे उस गोरखपुर में भी काफ़ी खस्ता स्थिति इन्होंने की हुई थी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो शिक्षा की हो। तो किस तरीके से जिन लोगों को बिल्कुल भी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जिनमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उन लोगों को भी किस तरह से ये सिस्टम पर थोपते हैं, और फिर इनकी नाकारी के कारण ही सिस्टम जो होता है वो नाकारा बनता है। अब आप देख लीजिए कि ONGC किस तरीके से घाटे में जा रहा है, क्योंकि एक बार चेयरमैन बना दिया गया संबित पात्रा को, अब वहाँ से पता नहीं कितना पैसा लूटा होगा, ये तो खैर वही बता सकते हैं, या कोई नई सरकार आएगी तो वही इसका खुलासा कर सकती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ये जो लोग हैं भाजपा के जो लोग हैं इनके आने के बाद सरकारी उपक्रम जो कभी देश की शान हुआ करते थे, जिन्हें महारत्न, अब तो शायद वो रत्न भी न रह जाएं, उनके नाम के आगे महारत्न लगाना भी अब मेरे ख्याल से अब उनका अपमान करना होगा, क्योंकि जिस तरह की हालत में वो चल रहे हैं, जिस तरह से वो अपने कर्मचारियों की भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो किस स्थिति में उनके नाम के आगे महारत्न या नवरत्न लगाया जाए जो कि कभी सरकार के हुआ करते थे। तो इन नवरत्नों की हालत तो इन्होंने खस्ता कर ही दी है, और सुप्रीम कोर्ट तो एक देखिए ऐसी संस्था मानी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि वो सरकार से बिल्कुल अलग है, सरकार का उस पर कोई दखल नहीं होना चाहिए, वो अपनी नियुक्ति खुद करेगा। लेकिन इसमें सरकार के जो हैं रविशंकर प्रसाद उनके बेटे की नियुक्ति का मामला फिर कहाँ से आ जाता है जब ये सरकार से बिल्कुल अलग ही संस्था है? तो इसका और कोई भी सरकारी केस होता है तो वो सरकार के अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं, लेकिन जब अमित शाह के बेटे, जिसका कि सरकार से कोई मतलब नहीं है, अमित शाह सरकार में हो सकते हैं लेकिन उनके बेटे नहीं, तो उनके बेटे का केस जो है अटॉर्नी जनरल क्यों लड़ते हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो इस तरीके से अयोग्य लोगों को उठाकर केवल बैठा देना, केवल भारत की जो स्वायत्त संस्थाओं पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा करने की एक नीति है। जैसा कि हम आगे देख सकते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट में 12 साल तक मध्य प्रदेश सरकार के स्थायी वकील रहे एडवोकेट बीएस बांठिया ने नियुक्ति पर एतराज जताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास इस पद की योग्यता ही नहीं है उसे यह जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। बांठिया ने कहा कि वे आदित्य की एकमात्र योग्यता यह है कि वे रविशंकर प्रसाद के पुत्र हैं। जैसा कि उन्होंने कहा तो बांठिया ने यहाँ पर काफ़ी एक समझदारी वाली बात की है कि किस तरीके से आप जो है, लेकिन उसके बावजूद भी आदित्य को स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया गया है, आदित्य को एनजीटी की जिम्मेदारी दी गई है। ये बताइए, एक अयोग्य व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जा रहा है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि मुकदमा दायर करने के लिए भी उन्हें किसी एओआर का सहयोग लेना पड़ेगा। इस नियुक्ति के बारे में विधि विभाग के प्रमुख सचिव वीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर अफसरों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में कई स्थायी वकील हैं जो एओआर नहीं हैं। देखिए, ये जो रणनीति होती है इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस थे वो किस तरीके से बिके हुए थे। राम मंदिर के मामले में चीफ जस्टिस का पहले से ही एक तय कर लिया था उन्होंने कि वो अपने कार्यकाल को जब ख़त्म करेंगे तो वो राम मंदिर के निर्णय से ही ख़त्म करेंगे। हमें उस समय ही समझ लेना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वो कार्यकाल को ख़त्म करना चाहता है तो निश्चित रूप से जो फैसला देगा वो फैसला ऐसा तो होगा नहीं कि वो सरकार के विरोध में देगा, वो सीधे सीधे सरकार के पक्ष में ही फैसला जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, और देखिए सरकार के पक्ष में तुरंत फैसला होते ही कैसे वो राज्यसभा में चले गए। तो जो चार जज निकल करके आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है, मनचाही बेंच, दीपक शर्मा जी हड़प लेते हैं। और दीपक शर्मा का भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो दीपक शर्मा भी कोई बहुत योग्य वकील नहीं रहे हैं। एक जमीन पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर उनसे शिकायतें रहीं। किसी भी योग्य व्यक्ति, और हम ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी समाज में या हमारे वर्ग में कोई भी योग्य व्यक्ति हो ही ना, ऐसा कैसे संभव है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप देखें प्रशांत भूषण के संपर्क में आए हुए नितिन मेश्राम और तमाम तरह के ऐसे काबिल वकील हैं जो जिनको कि ऐसे पदों पर बैठाया जा सकता है, लेकिन केवल एक जाति की वजह से आज तक आप एक भी चीफ जस्टिस नहीं देख पाए, एक भी चीफ जस्टिस नहीं देख पाए। किस लिए? जहां आपने आईएएस में टॉपर्स देखे, जहां आपने दलितों को आईएएस में टॉप करते हुए देखा, जहां दलितों को उच्च दर्जे का डॉक्टर बनते हुए देखा, क्यों? क्योंकि ऐसे परीक्षाओं में ऐसे पदों के लिए परीक्षाएं होती थी और परीक्षा पार करके वो वहाँ पहुँचे। लेकिन कोई ऐसा पद जिसमें परीक्षा ही ना हो और सीधे रिकमेंडेशन किया जाता हो, कमेटी बनाई जाती हो और कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हो कि इस अमुक व्यक्ति को ही बैठाना है, अमुक व्यक्ति को नहीं बैठाना है, ऐसी स्थिति में आपने कभी भी हमारे व्यक्ति को नहीं देखा, चाहे वो भारत का कुल किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, क्या आपने कोई भी देखा? नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कि परीक्षा से नहीं बनता, अनुभव से और रिकमेंडेशन से बनता है, क्या आपने कोई अपनी जाति का व्यक्ति देखा? नहीं देखा होगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको इस तरह के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं भारत में, तो आप काय के हिंदू हैं? हिंदू कहकर आपका इस्तेमाल केवल क्या दंगों में कराने के लिए ही है? आपको उच्च पदों पर बैठाने के लिए हिंदू शब्द नहीं है क्या? तो अब आपको ये समझना होगा और सबको एकत्र आकर के आंदोलन करना होगा। एक आदमी के बोलने से ये मामला हल होने वाला नहीं है। जैसा कि हमारे कई विचारक भी कह चुके हैं कि आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमिंग एक ऐसी चीज़ है। देखिए, मैं आपको एक सीधे सी से बात बताता हूँ। किसी भी देश के लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का ये अर्थ होता है कि लोकतंत्र में जितनी भी समाज हो या अलग अलग जातियाँ हों या अलग अलग वर्ग हों, सभी के पास संपूर्ण यह समान रूप से प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। अगर किसी एक ही वर्ग का दबदबा होगा और सारी प्रतिनिधित्व किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो, अब खेल में भी आप देख सकते हैं भारत में कि कितनी किस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, ये भी आप समझ जाइएगा। तो आप ये मान के चलिए कि उस देश का विकास नहीं हो सकता जिस देश में लोकतंत्र में सभी को समान प्रतिनिधित्व ना मिले। अगर एक तबके को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता रहेगा तो वही तबका हावी हो जाएगा और उसका परिणाम ये होगा कि अमीरी गरीबी का फासला बढ़ेगा, गैर बराबरी और बराबरी का फासला बढ़ेगा। अमीर व्यक्ति के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि वो कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति को आगे आता हुआ नहीं देख सकता। अब मान लीजिए कि किसी लोकतंत्र में सभी लोगों के पास समान अधिकार हैं तो कौन किससे जलेगा, बताइए आप। यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, अगर फासला कम होगा गरीबी अमीरी का
और कोई किसी से ईर्ष्या नहीं रखेगा, तो आप खुद समझ जाइए कि उस देश में विकास भी होगा, क्योंकि अगर माहौल दोस्ताना होगा तो माहौल दोस्ताना होने से सब मिलकर कार्य करेंगे और सभी को समान प्रतिनिधित्व होगा, समाज में सभी की भागीदारी होगी, देश अपने आप विकसित होता चला जाएगा। लेकिन अगर एक ही वर्ग को आपने बहुत ऊपर उठा लिया, मान लीजिए कि अंबानी जी की ही भारत में तूती बोलने लगी और अंबानी जी जैसे दो तीन उद्योगपति हुए, जो केवल वही दो तीन उद्योगपति भारत में कार्यरत हैं, तो और बाकी जनता जो है वो गरीब होती जा रही है, जनता की ज़मीनें छीन कर उद्योगपतियों को दे दी जा रही हैं। इससे क्या हुआ कि उद्योगपतियों के पास तो पूंजी और बढ़ने लगी कि जो आदिवासियों की मान लीजिए ज़मीनें झारखंड में कहीं कोयले की खान है या कोई ऐसी जगह या मध्य प्रदेश का कोई इलाका जिसमें वन ज़्यादा हैं और उद्योग पूंजीपतियों को लकड़ियाँ चाहिए अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, वो सारी ज़मीनें भी हड़प कर आप अगर दे देते हैं और आदिवासियों के पास या गरीब लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है, उनके पास सोने की भी जगह नहीं है, तो ऐसे देश में फिर आपको करोड़पति तो मिल जाएंगे कुछ गिने चुने। हो सकता है आपको ऐसे देश में, अगर मान लीजिए 125 करोड़ का देश है तो 100 करोड़ लोग भी, 1 करोड़ लोग भी ऐसे मिल जाएं, अगर 1 करोड़ लोग भी ऐसे मिल जाएं जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े घरानों वाले, जैसे उनमें आप फिल्म स्टार को भी इंक्लूड कर दीजिए, महज 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी वो देश का 1% लोग नहीं बैठता, जिसके पास जो है देश की लगभग 80% पूंजी आ चुकी है। और एक वर्ग ऐसा है जो देश में जिसकी संख्या लगभग 90% हो, या मान लीजिए कि 90 क्या, मान लीजिए 70% भी लोग ऐसे हो जिनके हाथ में 10% भी पूंजी ना हो, 1% भी पूंजी ना हो, तो ऐसी स्थिति में अमीरी गरीबी का फासला बढ़ेगा, लोगों के बीच में वामनस्य दुश्मनी और बैर मनमुटाव की भावना और इनसिक्योरिटी की भावना भी बढ़ेगी। जो बड़ा व्यक्ति होता है फिर कभी किसी छोटे व्यक्ति को आगे नहीं आने देता। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि वो टैलेंटेड थे तो दूसरे सुपरस्टार्स पर हम उंगली उठाते हैं, टैलेंटेड तो वो भी थे। जी बिल्कुल टैलेंटेड थे, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि टैलेंटेड व्यक्ति अगर किसी मुकाम पर पहुँच गया तो उसके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति को टैलेंटेड होने ही ना दिया जाए। देखिए टैलेंटेड होना अपने आप में एक अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छी इंसानियत की बात करें तो अच्छी इंसानियत बॉलीवुड के उन कलाकारों ने नहीं दिखाई, क्योंकि वो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई थी कि ये लड़का हमसे आगे ना चला जाए, और साथ में कुछ चीज़ें समाज, खैर वो तो एक बॉलीवुड की अपनी एक सोच हो सकती है कि आगे ना निकल दिया जाए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जिस तरह की भद्दी राजनीति जो है गोदी मीडिया ने की थी, वो भी अपने आप में देखने लायक थी कि वो असल में पीके में पाकिस्तानी फिल्म में उन्होंने काम किया था तो एक मुसलमान का रोल किया था, केदारनाथ में भी मुसलमान का रोल किया और मुसलमान को थोड़ा सा अच्छा दिखा दिया गया, तो इससे ही काफ़ी इन लोगों को मिर्च लग गई थी, जो मीडिया थी वो मीडिया भी उस तरीके से बदनाम करने में लग गया था, और जब वो भी तब जबकि वो व्यक्ति अपर कास्ट का व्यक्ति था, राजपूत था। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर अयोग्य व्यक्तियों को ही एक बड़े बड़े तबके सौंपे जाते रहेंगे तो कभी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं किस आधार पर कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये आप देख सकते हैं कि मोदी ने इस एक आदमी को अमीर बनाने के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया अंबानी ने दुनिया के अमीरों की सूची में 6ठा स्थान हासिल कर लिया है। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने गूगल के को फाउंडर लैरी पेस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेट वर्थ अब 72.4 अरब अमेरिकी डॉलर के लेवल पर पहुंच गई है। सोमवार को शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों में 3% की जोरदार उछाल के चलते मुकेश अंबानी की दौलत में यह इजाफा देखने को मिला। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ब्लूमबर्ग जैसी कंपनी हो या बिलियनियर्स इंडेक्स हो, इन सबको पछाड़ने के लिए कोई ये नहीं है कि अंबानी ने बहुत मेहनत की या कुछ किया, बल्कि देश में जब इतनी घटिया परिस्थितियां चल रही थी तो ऐसे कैसे इनकी संपत्ति बढ़ती हुई चली गई। तो ये सत्ता का एक खेल था, जो सत्ता का इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट मिलता रहा था तो इस कारण से ये ऐसा मुकाम हासिल कर गए। वैसे आप देखा जाए कि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरीके से वो खुद घाटे में जा रही थी, उसमें उसके जो दूसरे भाई हैं क्या कहते हैं अनिल अंबानी का तो बिल्कुल ही बिजनेस ठप हो गया था और उनको ही
ऊपर पहुंचाने के लिए राफेल डील में कुछ घपला किया गया था, लेकिन राफेल डील का वो मामला ठीक से जो है देश के सामने नहीं आ पाया, ये सब भी आप जानते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरीके से अब पूरी दुनिया में छठे स्थान पर आ गई है, तो अंबानी तो खैर बधाई मना सकते हैं, लेकिन देश में जो इससे एक प्राइवेट व्यक्ति के विकसित होने से किसी राष्ट्र का विकास नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या आपको दिखाना चाहता। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक व्यंग किया गया है। अमिताभ बच्चन ने मास्क लगाया, सैनिटाइजर किया और सोशल डिस्टेंसिंग में भी वो रहे, घंटी बजाई, थाली पीटी, दिया भी जलाया, फिर भी गिरफ्त में आ ही गए। देखिए यहाँ ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति जो थे, जिन्होंने पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे उनका पालन किया, फिर भी कोरोना की चपेट से नहीं बच पाए। इसलिए ज़्यादा सयाने ना बनो, लीलावती नानावती का खर्चा ना झेल पाओगे। ये सीधे सीधा एक कटाक्ष किया गया है कि आपको लीलावती या नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन तो उसका खर्चा झेल जाएंगे, लेकिन आप नहीं झेल पाओगे। इसलिए थाली पीटने से पहले, थाली पीटने का जो कार्य था वो बड़े लोगों पर ही आपको छोड़ देना चाहिए था, ना कि आप खुद भी कार्टून बनकर और भीड़ चाल में चलकर आ गए और थाली बजाने लगे। देखिए वायरस को जो है थाली बजाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नानावटी का खर्चा नहीं झेल पाओगे, चुपचाप घर के कलावती के साथ ही रहो। आप जो है आराम से घर में ही रहिए, ज़्यादा आपको ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ड्रामा होने लगता है एक स्तर पर, लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा फूट जाता है कि वो कुछ नहीं देखते। फिर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई फिर जो है वहाँ पे रेगुलेशन नहीं, सब किस तरीके से थाली बजाते हुए सड़क पर आ गए थे, आपने देखा ही होगा। और ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूर हुआ होगा, उस सड़क पर आने की वजह से संक्रमण फैला ही होगा, इस बात की गारंटी है। एक बात और ये भी है कि जब हमेशा डाबर च्यवनप्राश खाने वाले अमिताभ बच्चन को कोरोना हो सकता है। देखिए अमिताभ बच्चन का आप देख सकते हैं कि वो डाबर के एक ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं शुरू से ही, वो चाहे वो हाजमोला का ऐड हो, चाहे वो च्यवनप्राश का ऐड हो, वो करते रहे हैं, वो नवरत्न तेल का भी ऐड करते रहे हैं। इसका मतलब कि क्या वो च्यवनप्राश खाते होंगे या शिक्षा देते होंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मतलब इसका सीधा सा है कि च्यवनप्राश जैसी चीज़ें जो कंपनियां हमको परोस के दे रही हैं, उनमें कोई जादुई शक्ति नहीं होती। ये सब एक लूटने का एक धंधा होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबें इससे भर जाती हैं, लेकिन हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। घर का बना ताज़ा खाना ही खाना रहता है इस वायरस में, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें, बाहर ज़्यादा घूमें निकले ना। एक बहुत ही कॉमन सवाल, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद भी ऐश्वर्या बच्चन को कैसे नहीं पता चला कि बराबर में कोरोना सो रहा है? तो ये भी एक बात है कि ये बड़ा ही एक इसका हवा बनाया गया था कि आरोग्य सेतु ऐप है, ये है वो है, लेकिन उससे कुछ हुआ? तो ये आप देख सकते हैं, केवल आपको जो बचा सकता है, देखिए डाउनलोड तो सरकार कराएगी, तो सरकार को ऐप डाउनलोड करते हैं, जिस तरीके से पता है कि इतने डाउनलोड मिलियन हो जाएंगे तो सरकार को पैसा मिलेगा, तो ये भी एक तरीके से भावनाओं का व्यापार है या भय का व्यापार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और जो भय का व्यापार या भय का व्यापार करके जो चंदा मांगा गया, तो उस चंदे को मांगने के बाद तो स्थिति सुधरनी चाहिए थी ना। देखिए पीएम केयर्स फंड में जब तक पैसा आता रहा, तब तक इतना ज़्यादा कोरोना का नहीं था कि देश में मतलब लाख मामले भी नहीं थे, लेकिन जब फंड आ गया तो फंड का यूज़ नहीं किया गया। इसका प्रमाण है कि फंड के आने के बाद मामले एकदम से और स्थिति खराब होती चली गई, और 3 महीने तक 500 रुपये देने के बाद 500 रुपये आने भी बंद हो गए। और 500 रुपये में खैर 500 से ज़्यादा ही रुपये मिलने चाहिए थे, वो भी 3 महीनों से ज़्यादा मिलने चाहिए थे। ये हर कोई जिस व्यक्ति में कॉमन सेंस है इतनी बात तो समझ ही सकता है। रविदास समाज का फैसला, अब नहीं करेंगे मृत्यु भोज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर करेंगे उस पैसे का उपयोग। देखिए ये रविदास समाज ने बहुत ही एक शानदार फैसला लिया है, और बहुजनों से और बहुजनों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब भी इस झांसे में मत आइए कि पूजा पाठ है ये सब है। अरे भगवान तो खैर, देखिए रविदास जी की शिक्षा जो थी वो एक ही भगवान को मानने की थी, और वो किसी पुजारी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए बहुजनों के प्रिय जो रहे हैं रविदास जी इसी कारण से रहे हैं। और अगर आपको भी मानना है तो आप भगवान को देखिए, मान एक ऐसे ईश्वर या एक ऐसे परम शक्ति को आप मान सकते हैं जिसका कि पंडित पुजारियों से कोई लेना देना नहीं है, और वो आप प्रकृति के रूप में भी उसे ले सकते हैं।
कि देखिए प्रकृति को ही अब आप, मैं उदाहरण देता हूँ कि कोरोना वायरस से पहले बड़ी बड़ी ढींगे सरकार हाँकती थी कि हम गंगा साफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे गंगा अपने आप साफ हो गई, गंगा को जब उसे लगा कि मेरे अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो कोरोना वायरस फैला, सब लोग घर में बंद हो गए, इंडस्ट्री चलनी बंद हो गई। आपके करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं थी गंगा को, गंगा को तो आप जो है थोड़ी सी अगर अक्ल होती आपके अंदर तो भी साफ़ कर सकते थे, और ये जो है प्रकृति ने खुद ही दिखा दिया। तो प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है, और ये सब जितने भी ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ये सब ढकोसले हैं। तो अगर आपको मानना है तो आप प्रकृति को मानिए, जिसका कि सीधे सीधे पंडे या पुजारियों से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन किसी तरह की तीर्थ यात्रा करना, किसी तरह की तीर्थ यात्रा करके जाना और वहाँ जा करके जो है देवी पर फूल माला चढ़ाना, वैष्णो देवी जाना, ये तो देखिए ये मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी को समझाने के लिए रविदास जी कह गए थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सच्चा है और तो कटौती में गंगा का यही अर्थ है कि गंगा आपके पास ही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसी चीज़ से आपको बचना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे देश में जो भी भगवान को मानता है वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है कि कोई तीर्थ यात्रा करनी है किसी तरह का, वहाँ ये नंगे पैर चल के जाएंगे तो ये होगा। अरे आप प्रकृति को केवल मानिए, और प्रकृति की पूजा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास, खुद भी साफ़ सुथरे रहिए और लोगों को भी प्रकृति के बारे में वैसे बताइए, प्रकृतिवादी बनिए, वही सबसे बड़ी पूजा होगी। अगर क्योंकि प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, जो ये सब कहा गया है भगवान ये हो राम वाम, ये सब ढकोसला ही है, जो कुछ है वो प्रकृति है। हम प्रकृति को बचा लेंगे तो खुश रहेंगे, जीवन भर खुश रहेंगे, और किसी भगवान की पूजा करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। आपदा को अवसर में बदलना, ये मोदी जी कहते हैं, कोरोना संकट से निकला आत्मनिर्भर अभियान। अब यहाँ पर जो मोदी जी कह रहे हैं कि एकदम से जो कोरोना की ये जो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, कोरोना की वैश्विक महामारी है, इसके चलते जो है इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा की यहाँ पर वकालत की है, जैसा कि अखबारों में दिखाई जा रहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ा ऑनलाइन ही करना चाहते हैं सब कुछ, तो फिर डाटा गरीब लोगों को फ्री दीजिए, डाटा कंपनियों से फिर क्यों इतना आपने मतलब पैसे बढ़ा दिए उसके डाटा के। अगर ऑनलाइन ही सब कुछ आपको करना है तो चीज़ें आप फ्री क्यों नहीं करते हैं, चीज़ें आप फ्री कर दीजिए तो ऑनलाइन करने वालों को या ऑनलाइन पढ़ाने वालों को या पढ़ने वालों को जो है सुलभ हो जाएगा। लेकिन नहीं, और देखिए ऑनलाइन में भी कुछ बहुत सारी दिक्कतें ये हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बने ग्रुप से चुराए लड़कियों के नंबर। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे जूम ऐप था, तो जूम ऐप में जो मीटिंग्स होती थी उसका डाटा लीक होने लगा था, कोई ऐसा व्यक्ति होता था अनजान घुस जाता था वो ग्रुप में, वो आसानी से हैक कर लेता था। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑडियो और वीडियो के जरिए पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाने लगी। लेकिन अब यही सुविधा कुछ छात्र छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल एक स्कूल के व्हाट्सएप में ही ये देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर लड़कियों के नंबर तक चुराए जाने लगे इसमें। तो इसकी ये तो खैर एक व्यंग हो गया सरकार पर, इसमें सरकार की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उन्होंने तो सही सलाह दिया। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर इस वैश्विक महामारी के समय आपको ऑनलाइन ही करना है तो आप कुछ डाटा कंपनियों पर लगाम कसिए, या डाटा आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कराइए। आपने पीएम केयर्स फंड में पैसा लिया है तो सरकारी डाटा आप दिलाइए, बीएसएनएल के थ्रू दिलाइए, बीएसएनएल को मजबूत कीजिए। और बीएसएनएल की हालत जो आपने बना दी है उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी उभर भी पाएगी। तो इस तरीके का यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। बाकी आज जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उस पर मैं चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हुआ, इसी तरीके से आगे मैं रूबरू होता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।